हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास का यह आपका तीसरा क्लास है। आप सभी बच्चे जान ही रहे हैं कि मैं आप सभी बच्चों को इतिहास में बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, और ये बेसिक जानकारी का यह आज अंतिम क्लास है, यानी आखिरी क्लास है। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में मैं इतिहास के अध्याय को प्रारंभ कर दूंगा, और इतिहास के जो पहले अध्याय है, एट मन के तथा अस्थियां को मैं प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन 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 प्रारंभ करने से पहले जो आज का अंतिम क्लास है बेसिक जानकारी, वो तो अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाऊंगा आज आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कंटेंट ही कुछ ऐसा है। अब कहिएगा कि सर क्या कंटेंट है? तो प्यारे बच्चों सुनो, जो तिथि होता है, तिथि मतलब दिनांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेट। जैसे आज कितना डेट है? 17 जनवरी 2023। तो इस तिथि की शुरुआत कैसे हुई, इनको जानना है, ठीक है? और ये जो ईस्वी होता है, ये ईस्वी क्या होता है? जैसे मैं पूछूं कि आपका जन्म कब हुआ, तो आप कहिएगा सर मेरा जन्म 2005 ईस्वी में हुआ। अब ये ईस्वी क्या है, ये 2005 क्या है, कभी आप सोचे हैं? यदि मैं पूछूं कि तुमने कहा कि तुम्हारा जन्म 2005 ईस्वी में हुआ, अब ये 2005 क्या है? क्या 2005 पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था? नहीं ना, हो गए ना कंफ्यूज। इसी को आज हम क्लियर करेंगे, समझ गए? ईसा पूर्व क्या होता है, इनको जानेंगे। शताब्दी क्या होता है, शताब्दी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, आपने सुना होगा। क्या सुना? जैसे 19वीं शताब्दी में मुगल काल समाप्त हो गया था, तो शताब्दी क्या होता है, क्लास 10th में हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे भर भर के। दशक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों इन सभी बातों की चर्चा हम इसी क्लास में ही तो करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं किए हैं, वे बच्चे अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ये जो पेड कोर्स है पूरे साल भर का मात्र 1500 फी रखा गया है, और इस पेड कोर्स में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे अंग्रेजी छोड़ करके, ठीक है? चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लास रहेगा। लाइव क्लास यदि छूट जाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, ई बुक भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। रविवार को डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त भी किया जाएगा। आपके उम्मीद से ज़्यादा बेहतर पढ़ाया जाएगा, इसका गारंटी मैं फुल मैं लूँगा, ठीक है? तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। और ये जो पेड कोर्स है उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अपनी परीक्षा बिहार बोर्ड से 2024 में देंगे, 8 से देंगे, उनके लिए है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों कक्षा हो गया 12-8 बिहार बोर्ड न्यू बैच है 2023-24 सेशन वाले बच्चों के लिए टाइम, यदि मैं समय की बात करूं तो इतिहास सोमवार से लेकर के बुधवार तक मैं आप सभी बच्चों सोमवार से बुधवार मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? 7:30 बजे शाम में। तो विषय हमारा हो गया इतिहास। इतिहास का यह आपका हो गया तीसरा क्लास। सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे तिथि। तिथि मतलब दिनांक, ठीक है? चलिए दिनांक यानी तिथि, अंग्रेजी में कहें तो डेट, ठीक है? पहले इसका कथा सुनिए। कथा सुनिएगा ना,
कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। आप बुजुर्ग से भी पूछिए, अरे बउआ समझ जाओगे तो याद करने का झंझट नहीं होगा। तो समझने पर जोर दीजिए, क्या समझे। तो चलिए कथा सुनाते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में कभी भी इस तिथि पर जोर नहीं दिया गया। हमारे जितने भी विद्वान थे, वे विद्वान ने क्या किया, समाज में जब जब अच्छाई हुआ, हम बस अपने अच्छाई को ही याद रखें। किनको याद रखें? अच्छाई को ही। जब जब समाज में अच्छा काम हुआ, बस हम अच्छाई को याद रखें। और वो घटना कब हुआ, इनके बारे में कभी भी हमारे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उन दिनों हमें तिथि का कोई ज्ञान ही नहीं था। जैसे हमारे देश में क्या क्या घटना घटित हुआ, रामायण में राम भगवान ने जन्म लिया। क्या आपको पता है कि राम भगवान ने कब जन्म लिया? नहीं पता। क्या आपको पता है कि राम भगवान ने रावण को कब मारा? नहीं पता। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास कोई तिथि का ज्ञान ही नहीं था। अब जब तिथि का ज्ञान ही नहीं था, तो कोई भी घटना को हम कैसे क्रम से लिखेंगे? लिखेंगे नहीं ना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता था, कल से परसों, परसों से तरसों होता था, 20 दिन बीत गया, ले पते नहीं। अब कौन तिथि है, नहीं तिथि, कुछ आता पता नहीं था। अर्थात तिथि के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं था, यानी कोई ज्ञान नाम का चीज ही नहीं था। तो इस प्रकार से दुनिया चलता था, कल परसों तरसों चलता था, ठीक है। तो इसलिए देखिएगा, जितना भी रामायण है, महाभारत है, हमें उनके बारे में जानकारी तो मिलती है, लेकिन वह घटना कब घटित हुआ, इनके बारे में जानकारी मिलती ही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई तिथि का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। तो होता यह है कि आपने एक धर्म का नाम सुना होगा, ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। क्या थे, कौन थे प्यारे बच्चों? ईसा मसीह। तो जब ईसा मसीह का जन्म होता है, तो ईसा मसीह जन्म के बाद इतने अच्छे कार्य करते हैं कि लोगों ने क्या किया, जो इतिहासकार थे, लोगों ने क्या किया कि ईसा मसीह को जन्म को आधार बनाया। किनको आधार बनाया? ईसा मसीह। जैसे मैं मान लो कि मैं हूं ईसा मसीह, तो लोगों ने मुझे आधार बना दिया कि हुजूर आप ही डेट है, तिथि है, जैसे ईसा मसीह, ठीक है। अब क्योंकि मेरा नाम ईसा मसीह, मेरे जन्म से पहले जो भी घटना घटित हुआ होगा, उसको हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, ठीक है। और मेरे जन्म के बाद जो भी घटना घटेगा, उसको हम रखेंगे ईसवी में। कहा रखेंगे प्यारे बच्चों? ईसवी में, ठीक है। अब जैसे चलो एक लड़ाई, ये है ईसा मसीह, ठीक है। ये कौन है? ईसा मसीह है। तिथि का ज्ञान नहीं था, तो ईसा मसीह के जन्म को ही तिथि का क्या माना गया? आधार। अब ये हो गया जीरो। क्या हो गया? जीरो। अब ईसा मसीह का जन्म लिया, तो जन्म के समय तो ईसा मसीह तो बउआ होंगे, नूनू होंगे, है कि नहीं। तो जन्म के बाद जो भी घटना घटेगा, अर्थात इधर बढ़ेगा, जैसे एक, एक से लेकर के 10 वर्ष, फिर 20, फिर 100, फिर 1000, फिर 2000, फिर 2023। आज कहाँ तक पहुँचा? 2023 पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? पहुँचा है, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटेगा, उसे हम कहेंगे ईसवी। क्या कहेंगे? ईसवी। तो ईसवी ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम कहेंगे ईसवी। जैसे मान लो, जैसे तुम, मैंने पूछा बउआ तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुमने कहा सर जी मेरा जन्म हुआ 2005 में। 2005 में हुआ होगा, हमको पता है, आप सभी का 2005 में जन्म हुआ होगा।
तो आपने कहा कि सर मेरा जन्म हुआ 2005 ईस्वी में, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह आपसे 2005 वर्ष बड़ा है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के 2005 वर्ष के बाद आपका जन्म हुआ। आपका जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म के 2005 वर्ष के बाद आपका जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की ना घटना है, पहले की घटना नहीं है, इसलिए हम यहां लगाएंगे 2005 ईस्वी। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा 23 से 24 होगा, 24 से 25 होगा, 25 से होते होते जब तक पृथ्वी नष्ट ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए तब तक ईस्वी ही चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, समय निरंतर चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। सही बात है कि नहीं? बात है, सही बात है। तो ये तो हो गया ईसा मसीह के जन्म की बात की घटना। अब बहुत घटना भी तो ऐसा भी हुआ होगा जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ होगा, जैसे ईसा मसीह के पापा का जन्म ईसा मसीह के पहले हुआ होगा, ईसा मसीह के दादाजी का जन्म ईसा मसीह से पहले हुआ होगा। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घटेगा, इधर हम लेकर के चलते हैं, ठीक है? ईसा मसीह के जन्म के पहले जो घटना घटेगा उसे हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटना। क्या कहलाया? ईसा पूर्व। जैसे 0 से ये 10 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये और ये आगे चलता जाएगा, तो ये सारा का सारा 10, 50, 100, 200, 1000 ये सभी कहलाएगा ईसा पूर्व। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ईसा पूर्व। अब जैसे कि मान लो ईसा मसीह के पप्पा का जन्म, ईसा मसीह के जन्म के 50 वर्ष पहले हुआ, ठीक है? तो 50 वर्ष तो हमारा यहां हो गया, यहां, तब यहां पर क्या होगा? 50 ईसा पूर्व, ठीक है? 50 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह के पप्पा का जन्म हुआ, मान के चलते हैं। और ईसा मसीह के पप्पा का जन्म मान लेते हैं कि 80 साल में हुआ। कितने साल में? 80 साल में। तो बताओ बच्चों, ईसा मसीह के पप्पा कब मरे, किस वर्ष मरे? तो प्यारे बच्चों, ईसा मसीह के पप्पा मरे 30 ईस्वी में। किस ईस्वी में मरे? 30 ईस्वी में। अब आप कहिएगा, सर आप ये क्या बोल रहे हैं, ईसा मसीह के पप्पा का जन्म हुआ 50 ईसा पूर्व में, अब 30 ईसा पूर्व में कैसे मर गया? ये तो घोर अन्याय हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एकदम यही सही है। कैसे? तो देखो, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 50 वर्ष पहले ईसा मसीह के पप्पा का जन्म हुआ, और ईसा मसीह के पप्पा कितने वर्ष बाद मरे? 80 वर्ष के बाद। तो 80 वर्ष में प्यारे बच्चों 50 से, अब देखो समय जो चलेगा वो तो ईसा मसीह की ओर चलेगा। अब ईसा मसीह के जो पप्पा है वो तो ईसा इस अपने बेटा की तरफ चलेगा। अब जैसे कि मान लो मेरा जन्म मेरे बेटे के जन्म से 50 साल पहले हुआ, तो हम तो बेटे की ओर चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे। इसलिए 50 वर्ष तो मेरा इधर ही कंप्लीट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? ईसा पूर्व खत्म। फिर मेरा 30 वर्ष मेरा किधर जाएगा? मेरा इधर जाएगा, यानी 30 ईस्वी तक आएगा। अर्थात ईसा मसीह के पप्पा कब मरेंगे? 30 ईस्वी में मरेंगे। क्यों? क्योंकि 50 इधर 30 इधर दोनों को जोड़ देंगे तो 80 पूरा पूरा पूरी गया, ठीक है? तो
आशा करता हूं कि आपको समझ में काफी अच्छे से आया होगा। ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम ईसवी में रखेंगे और ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम ईसा पूर्व में रखेंगे। समझ गए प्यारे बच्चों, समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे किसको, तो प्यारे बच्चों शताब्दी को। किनको देखेंगे, शताब्दी को, ठीक है। चलिए देखिए, सदी या कहिए शताब्दी, सदी कहिए शताब्दी कहिए, सब बात बराबर होता है। और ये जो होता है 100 वर्ष का, कितने वर्ष का होता है, तो प्यारे बच्चों 100 वर्ष का, यानी 100 वर्ष के अवधि को हम लोग बोलेंगे शताब्दी। क्या बोलेंगे, शताब्दी। अब देखिए, ये मेरा हो गया ईसा मसीह, ये 0 मान लिए जन्म का आधार, एक मेरा ईसा पूर्व में आएगा और एक मेरा ईसवी में आएगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के 100 वर्ष तक को हम लोग बोलेंगे एक सदी, अर्थात एक शताब्दी। आपके मन पर है आप क्या बोलते, एक सदी भी बोल सकते हैं, पहली सदी भी बोल सकते हैं, प्रथम शताब्दी भी बोल सकते हैं, पहली शताब्दी भी बोल सकते हैं, जैसा माने वैसा बोलिए, ठीक है। और फिर 101 से लेकर के 200 तक दूसरी सदी या दूसरी सदी, ठीक है, दूसरी शताब्दी। फिर 201 से लेकर के प्यारे बच्चों 300 तक तीसरी सदी, ठीक है। फिर इसी प्रकार 301 से लेकर के 400 तक चौथी सदी, यानी चौथी शताब्दी। और इस प्रकार होते होते 2001 से लेकर के 2100 तक 21वीं सदी। तो आज कौन सा सदी चल रहा है, 2023 है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों 2023, 2001 से लेकर के 2100 के बीच में आता है ना। इसलिए आप किस सदी में जी रहे हैं, आप जी रहे हैं 21वीं सदी में, अर्थात 21वीं शताब्दी में, ठीक है, समझ गए। लेकिन मैं मेरा जन्म हुआ 20वीं शताब्दी में, क्यों, क्योंकि मेरा जन्म 2000 कितना भी होगा 2001 से तो पहले ही होगा, अर्थात मेरा जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ और मैं जी रहा हूँ 21वीं शताब्दी में, ठीक है, अर्थात मैं दो शताब्दी का मजा लिया है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से यह शताब्दी बढ़ते जाएगा और जैसे ही यह 0 से लेकर के 100 तक इधर आएगा तो यह कहलाएगा एक सदी पूर्व। क्या कहलाएगा, एक सदी पूर्व, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर ये आपका हो जाएगा 101 से लेकर के 200 ईसा पूर्व, ये होगा दो सदी पूर्व, यानी ईसा पूर्व में आपको पूर्व लग जाएगा, ईसा पूर्व में क्या लगेगा, पूर्व। अब प्रश्न आता है कि आखिर हम लोग शताब्दी का प्रयोग क्यों करते हैं, शताब्दी जो प्यारे बच्चों जो आपका शताब्दी होता है, आखिर शताब्दी का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास तो काफ़ी अंदर तक पढ़ेंगे, यानी उस समय का इतिहास पढ़ेंगे जिस समय कोई दस्तावेज भी नहीं होगा। क्या होगा, दस्तावेज भी नहीं होगा। अब जब दस्तावेज जब नहीं होगा हमारे पास, चूंकि आज से 2000 वर्ष हम पहले की बात करेंगे, 1000 साल पहले की बात करेंगे, अब 1000 साल पहले कौन सा घटना कब हुआ नहीं हुआ, इसको प्रमाणित करने में माथा का दर्द होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे मान लो मैं, ठीक है, मैं, मेरा नाम है अशोक, क्या नाम है, अशोक को छोड़ देते हैं, मान लो कि मेरा नाम है कुणाल, मेरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, कुणाल। और आज से लगभग, ठीक है प्यारे बच्चों, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ, 1000 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ, ठीक है। तो मेरे, जब किसी से पूछा गया मेरे बारे में तो किसी ने कहा, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है, मेरा जन्म, मेरे मामा ने, मेरे मामा के अनुसार मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई राजा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये है राजा, इस राजा का नाम है राम, ठीक है।
तो अब इस राजा के जन्म के बारे में कहा गया कि इस राजा का जन्म हुआ 612 ईस्वी में, ठीक है, एक इतिहासकार के अनुसार। दूसरा इतिहासकार कहता है कि नहीं, राम का जन्म हुआ 644 ईस्वी में। और तीसरा इतिहास ने कहा कि नहीं, राम का जन्म हुआ 670 ईस्वी में, ठीक है। तो तीन प्रमाण आपको निकला राम के जन्म के संदर्भ में। अब हमको ये तो पता है कि राम का जन्म या तो 612 में हुआ होगा, या तो 644 में, या तो 670 में, अर्थात तीनों में से कोई एक में अवश्य रूप से है कि राम का जन्म हुआ होगा। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे आपका आपका जन्म कब हुआ आपको तो पता है, क्यों, क्योंकि आपका हैप्पी बर्थडे होता है। मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं होता है इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है या तो मेरा जन्म 95 में हुआ होगा, या तो 96 में हुआ होगा, या तो 94 में। इसी प्रकार अपने पापा से पूछिएगा, पापा आपका जन्म किस वर्ष हुआ, पापा के लगता है 1960 में, नहीं 61, नहीं 62, नहीं 63। सोचो पापा में ये हाल है, और दादी में दूर नहीं पता कब हुआ होगा, 1930 में, या 40 में, या 45 में। अभी ये हाल है, सोचो 1000 जब हम निकालेंगे तो कितना माथा का दर्द हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतिहासकार में तो मतभेद हो गया, कोई कहा नहीं राम का जन्म 612 में ही हुआ होगा, हम प्रमाणित करके बोल रहे हैं। फल्ला ने कहा कि नहीं राम का जन्म 644 में हुआ होगा, चिल्ला ने कहा कि नहीं 670 में ही हुआ होगा। अब इतिहासकार में लेबल यह हो गया मतभेद। अब हमसे कोई पूछेगा कि राम का जन्म कब हुआ, तो हम कहेंगे फलना के अनुसार 612, चिल्ला के अनुसार 644, टहलना के अनुसार 670। सुनने में कैसा लगा, खराब, अच्छा नहीं लगा। तो इनको दूर करने के लिए हम आप प्रयोग करेंगे शताब्दी। क्या प्रयोग करेंगे, शताब्दी। जैसे देखिए, 0 से 100 एक सदी यानी एक शताब्दी, 101 से 200 दो सदी यानी दूसरी शताब्दी, 201 से 300 तीसरी शताब्दी, 301 से 400 चौथी सदी, 401 से 500 पांचवी सदी, 501 से 600 छठी सदी, 601 से 700 सातवीं सदी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि राम का जन्म सातवीं सदी में हुआ, अर्थात सात शताब्दी में, सातवीं शताब्दी में राम का जन्म हुआ। मैंने क्या कहा, हमसे पूछा कोई कि राम का जन्म कब हुआ, मैंने कहा राम का जन्म सातवीं शताब्दी में हुआ। अब जैसे ही मैंने बोला सातवीं शताब्दी, मतलब 601 से लेकर के 700 के बीच में राम का जन्म हुआ होगा। अब देखो 601 से लेकर के 700 में 612 आ रहा है, 644 आ रहा है, 670 आ रहा है, तीनों आ गया, तो देखो उत्तर कितना परफेक्ट सुनने में लग रहा है, राम का जन्म सातवीं शताब्दी में हुआ। कितना बेजोड़ बात हो गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग शताब्दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य की स्थापना कब हुआ इसमें मतभेद है, अंग्रेज कब आया इसमें भी मतभेद है, है कि नहीं। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, सभी विद्वानों में अलग अलग मत है, इसलिए जब मतभेद होता है तो हम सामान्य रूप से शताब्दी का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें लगभग लगभग में क्या आपका, यानी कि सभी दिनांक, जैसे यहाँ मतभेद हो गया शताब्दी का प्रयोग कर लेता आपको आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किनका तो शताब्दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो शताब्दी मतलब 100 वर्ष का आपको हो जाता है, तो इसलिए आपको इतिहास में शताब्दी का प्रयोग देखने को मिलता है। दशक का मतलब होता है, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, हालांकि यह आपके एग्जाम में नहीं रहता है, ठीक है, समझ गए। तो प्यारे बच्चों यहां तक, ठीक है, यहां तक आपका बेसिक क्लास रहा, आशा करता हूं कि आपको समझ में काफी अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको अध्याय को प्रारंभ कर दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।